Friends, let's start reading. First of all, just remember the name of writer. The name of writer is Jonathan Swift. Okay? So, before starting this chapter, just keep this thing in your mind that you have to make your imagination strong. जब आप अपनी स्टोरी को इमेजिन करेंगे तो आप उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है? सो मैंने तो ये स्टोरी पढ़ी है एंड इट्स वेरी गुड, ठीक है? तो आप लोगों ने भी इसको बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है. Let's start reading. Jonathan Swift's famous novel, Gulliver's Travels, describes the adventure of its hero, Gulliver. Jonathan Swift का ये मशहूर novel है. Famous means मशहूर. ये मशहूर novel है. इस novel का नाम है Gulliver's Travels, जो किस चीज़ को बयान कर रहा है? महमजोई, अपने हीरो की महमजोई को बयान कर रहा है. और इसका हीरो कौन है? Gulliver's. On a voyage, समंदरी सफ़र के दौरान और उसका to the South Sea Islands in the Pacific Ocean, Gulliver's ship crashes into some rocks and sinks. समंदरी सफ़र के दौरान, जो कि उसका समंदरी सफ़र South Sea Islands की तरफ, जो कि Pacific Oceans में है, वहाँ जा रहा था. उस दौरान क्या हुआ? Gulliver's की जो कश्ती थी वो टकराई किसके साथ? पहाड़ों के साथ, और डूब गई. He is lucky to swim to safety. वो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत था कि उसको स्विमिंग आती थी और वो अपने आप को उसने अपने आप को बचा लिया. When he reaches dry land, dry मतलब खुश्क, and land means ज़मीन, खुश्क ज़मीन पे पहुँचा तो he is so hungry and tired that he falls asleep at once. वो जब इतना सफ़र करके, इतना वो स्विम करते हुए, इतना तैरते हुए जब वो एक खुश्क ज़मीन पे आया तो उसने अपने आप को बहुत भूखा महसूस किया और बहुत थका हुआ महसूस किया, जिसके बाद वो एक ही दफ़ा में सो गया. ही डज नॉट नो इट देन, वो ये चीज़ नहीं जानता था, बट ही हैज़ लैंडेड इन लिलीपुट, लेकिन वो लिलीपुट की ज़मीन के ऊपर आके उतरा था, ठीक है? वो कहाँ उतरा था? लिलीपुट के ऊपर, लिलीपुट की ज़मीन पे आके उतरा था. तैरते तैरते उसकी जो, अब ये सोचने वाली बात है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे, अगर कश्ती डूब गई, कश्ती टकरा गई, कश्ती टूट गई, तो गुलिवर्स कहाँ गया? तो गुलिवर्स जो था वो तैरते हुए स्विमिंग आती थी और वह तैरते हुए कहाँ गया? लिलीपुट की लैंड के ऊपर. ओके जी. गुलिवर कंटिन्यूज हिज स्टोरी. अब ये क्या, अब पहले तो जोनाथन स्विफ्ट ने अपने नॉवल के बारे में बताया कि उसके नॉवल किस बारे में है, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम ही, शी और इट यूज़ करते हैं तो वो थर्ड पर्सन की स्टोरी होती है, लेकिन अब यहाँ पर गुलिवर अपने बारे में बताने लगा तो ये फर्स्ट पर्सन है. जहाँ पे आई यूज़ होगा तो वो फर्स्ट पर्सन है. ओके. आई स्लेप्ट वेरी वेल फॉर सेवरल आवर्स. सेवरल मीन्स कई घंटे या बहुत ज़्यादा घंटे. मैं कितने घंटे, कई घंटे सोया रहा. When I woke up, जब मैं उठा, I tried to get onto my feet, मैं अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की, but I could not move, लेकिन मैं हिल ना सका. क्या हुआ यार इसके साथ? My arms and legs and my long thick hair were tied to the ground. मेरे बाजू, मेरी टांगें और मेरे लंबे घने बाल ज़मीन के साथ बांधे जा चुके थे. I could feel several thin pieces of string across my body, from my neck down to the top of my legs. मैंने अपने जिस्म पे क्या फ़ील किया कि कई रस्सियाँ मैंने अपने जिस्म पे फ़ील की जो कि मेरे गर्दन से लेकर मेरे टांगों तक बंधी हुई थी, जिन्होंने मेरे टांगों और मेरे गर्दन से लेकर मेरी टांगों तक के जिस्म को बांधा हुआ था. द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी दैट आई कुड मूव वाज माई आइज. उसके जिस्म के तमाम हिस्से सर से लेकर पाँव तक बांधे जा चुके थे और जो सिर्फ वो चीज़ अपनी मूव कर सकता था वो क्या था? आइज़. क्योंकि आइज़ को वो बांध नहीं सकते थे तो आइज़ से वो सिर्फ देख रहा था कि क्या हो रहा है. आई कुड हियर अ लॉट ऑफ नॉइज़ अबाउट मी. मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुन रहा था. मैनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट. मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी, फिर रही थी. नॉट सी देम, लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रहा था. आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेफ्ट लेग. उसने अपने लेफ्ट टांग के ऊपर, दाईं टांग के ऊपर कुछ महसूस किया. इट वॉज अलाइव, वो ज़िंदा थी. एंड इट मूव जेंटली ओवर माई बॉडी टूवर्ड्स माई चिन. और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर चल रही थी और मेरे फेस की चिन, चिन मीन्स थोरी, थोरी के सामने आके खड़ी हो गई. सडनली आई सा, मैंने देखा, अचानक मैंने देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी, मेरे जिस्म के ऊपर, अ वेरी वेरी स्मॉल मैन.
बहुत ही छोटा आदमी था। ही वॉज ओनली अबाउट 6 inches टॉल। वो सिर्फ 6 inches का था, क्योंकि हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर है उतने जितना होगा। 6 inches टॉल, ही हेल्ड अ बो एंड एरो। बो मीन्स तीर को मान, जिसके अंदर हम तीर जिससे लगाते हैं, एंड एरो तीर, ठीक है। उसके हाथ में क्या था, उसने क्या पकड़ा हुआ था, तीर और तीर को मान। देन आई फेल्ड अबाउट 40 मोर लिटल पीपल क्लाइंबिंग ओवर मी। उसके बाद उसने क्या महसूस किया कि 40 लोग मेरे जिस्म के ऊपर चढ़ रहे हैं। आई कुड नॉट बिलीव इट, मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। आई वॉज सो सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। सरप्राइज मीन्स हैरान। एंड देन आई शाउटेड वेरी लाउडली, और फिर मैंने बहुत ज़ोर से चीखा। एंड द लिटिल पीपल रैन अवे इन फ्राइट। फ्राइट मतलब डर जाना, खौफजदा हो जाना, और वो खौफजदा होकर मेरे जिस्म के ऊपर से भाग गए। मैनी जम्प्ड टू द ग्राउंड एंड मैनी वर बैडली हर्ट व्हेन दे फेल ऑफ माई बॉडी। कुछ लोगों ने ज़मीन पर छलांग लगा दी, और कुछ लोग बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए जब वो मेरे जिस्म के ऊपर से उतरे। बट दे रिटर्न सून, लेकिन वो फिर आ गए। वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज, उनमें से एक बहुत करीब आया, एंड कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस, और बहुत ही ऊंची साफ आवाज़ में कुछ बोलने लगा। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, लेकिन मुझे उसकी ज़ुबान समझ नहीं आई। सारी बात है, वो लिलिपुशियंस थे, उनकी अपनी ज़ुबान होगी। ओके, लाइंग देयर मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल। अब उसे इतनी ज़ोर से, इतनी रस्सियों के साथ पूरा जिस्म उसका बांधा हुआ, तो वो अनकम्फर्टेबल तो होगा, तो वो बिल्कुल बेचैन था। आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की बाई ब्रेकिंग सम